अध्याय चार, तीन प्रकार के बिजनेस सिस्टम। ऑडियो बुक बाय मिलियनेयर माइंड्स। बी क्वाड्रेंट में प्रवेश करते समय यह बात याद रखें कि आपका लक्ष्य है सिस्टम का स्वामी बनना और उस सिस्टम में लोगों से अपने लिए काम करवाना। आप या तो यह सिस्टम खुद तैयार कर सकते हैं या फिर उसे खरीद सकते हैं। सिस्टम को वह सेतु माने जो आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में सुरक्षित तरीके से पहुंचाता है, और यह सेतु वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचाने वाला सेतु भी होता है। आज मुख्य रूप से तीन तरह के बिजनेस सिस्टम हैं। पहला, पारंपरिक सी टाइप कॉरपोरेशन, जहां आप अपना खुद का सिस्टम तैयार करते हैं। दूसरा, फ्रेंचाइजी, जहां आप बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप बने बनाए सिस्टम को खरीदकर उसका हिस्सा बनते हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी शक्तियां और कमजोरियां हैं, परंतु अंततः प्रत्येक में आपको एक ही चीज मिलती है। अगर आप सही तरीके से काम करें तो हर सिस्टम आपको स्थायी आमदनी प्रदान करता है, और मालिक के रूप में आपको ज्यादा शारीरिक श्रम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते ये खड़ा हो जाए और सफलतापूर्वक चलने लगे। समस्या इसे खड़ा करने और सफलतापूर्वक चलाने में ही आती है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, 1985 में आप बेघर क्यों थे? इसके जवाब में किम और मैं बस यही कहते हैं, हम एक बिजनेस सिस्टम बना रहे थे। यह एक ऐसा बिजनेस सिस्टम था जो पारंपरिक कॉरपोरेशन और फ्रेंचाइजी का मिला जुला रूप था। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, बी क्वाड्रेंट में सिस्टमों और लोगों दोनों के ही ज्ञान की जरूरत होती है। हमने अपना खुद का सिस्टम बनाने का जो निर्णय लिया था वह कड़ी मेहनत का रास्ता था। मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका था, हालांकि मेरी बनाई कंपनी डूब गई थी। हालांकि यह कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक चली, परंतु अचानक यह पांचवें साल में धराशाही हो गई। जब हमें सफलता मिली तो हम पर्याप्त सिस्टम तैयार नहीं कर पाए। हालांकि हमने बहुत मेहनत की, परंतु इसके बावजूद सिस्टम बिखरने लगा। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक ऐसी बड़ी नाव पर सवार थे जिसमें अचानक छेद हो गया था। समस्या यह थी कि हम उस छेद को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। हालांकि हम सब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि छेद कहाँ हुआ था, परंतु हम इतनी तेजी से पानी में बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि हम छेद को ढूंढकर उसे ठीक कर सकें। अगर हमें वह मिल भी जाता तो भी हमें यह विश्वास नहीं था कि हम उसे बंद कर सकते थे या नहीं। तुम्हारी दो तीन कंपनियां डूब सकती हैं। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे बताया कि 20 और 30 के बीच की उम्र में उनकी एक कंपनी डूब गई थी। उन्होंने कहा, वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव था। मुझे कंपनी डूबने का अफसोस जरूर हुआ था, परंतु मैंने इसे सुधारने और अंततः इससे एक बड़ी सफलता में बदलने से बहुत ज्यादा सबक सीखे। जब अमीर डैडी को यह पता चला कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहा था, तो वे मुझसे बोले, यह हो सकता है कि सफल और दीर्घजीवी कंपनी बनाने से पहले तुम्हारी दो तीन कंपनियां डूब जाएं। वे अपने पुत्र माइक को अपना साम्राज्य संभालने का प्रशिक्षण दे रहे थे। क्योंकि मेरे डैडी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए मुझे विरासत में साम्राज्य नहीं मिलने वाला था। मुझे अपना साम्राज्य खुद बनाना था। सफलता एक खराब शिक्षक है। अमीर डैडी अक्सर यह कहा करते थे कि सफलता एक खराब शिक्षक है। हम जब असफल होते हैं तो हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, इसलिए असफल होने से कभी मत डरना। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप असफल हुए बिना सफलता नहीं पा सकते। यही वजह है कि जीवन में वही लोग सचमुच हारते हैं जो कभी असफल नहीं होते। शायद एक यह सटीक भविष्यवाणी थी, क्योंकि 1984 में मेरी जो कंपनी दिवालिया हुई वह मेरी तीसरी कंपनी थी। मैंने लाखों डॉलर कमाए थे और लाखों डॉलर गवा दिए थे। जिस समय मैं किम से मिला उस समय मैं एक बार फिर शून्य पे अपने कारोबार को शुरू कर रहा था।
उसने मुझसे मेरी दौलत के लिए शादी नहीं की। मैं यह बात इतनी अच्छी तरह इसलिए जानता हूं क्योंकि उस समय मेरे पास दौलत थी ही नहीं। जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी चौथी कंपनी बनाने जा रहा हूं तो वह पीछे नहीं हटी। उसका जवाब था, हम इसे मिलकर बनाएंगे, और वह अपने वायदे की पक्की थी। एक और पार्टनर के साथ मिलकर हम दोनों ने ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाया जिसके दुनिया भर में 11 ऑफिस थे। भले ही हम इसमें काम करें या ना करें, हम इससे आमदनी होती थी। शून्य से 11 ऑफिसों तक के इस सफर में हमने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और अंततः हम सफल हो गए। दोनों ही डैडी मेरी सफलता पर खुश थे और उन्होंने सच्चे दिल से मुझे बधाई दी। कंपनियां शुरू करने के मेरे पूर्व प्रयोगों में उन दोनों का पैसा डूब गया था। मुश्किल हिस्सा, मेरे अमीर डैडी का पुत्र माइक मुझसे अक्सर कहता था, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि क्या मैं वह कर सकता हूं जो तुमने या मेरे डैडी ने किया है। मुझे बना बनाया सिस्टम मिल गया था और मुझे सिर्फ इसे चलाना सीखना था। मुझे विश्वास है कि वह अपना खुद का सफल सिस्टम बना सकता था क्योंकि उसने अपने डैडी से अच्छी तरह सीखा था। बहरहाल मैं उसकी बात का मतलब समझता हूं। अपनी कंपनी को शून्य से शुरू करने में मुश्किल बात यह है कि आपके पास 2 बहुत परिवर्तनशील चीजें होती हैं, सिस्टम और उस सिस्टम में काम करने वाले लोग। अगर लोगों और सिस्टम दोनों में ही छेद हो तो असफलता की संभावना ज्यादा है। कई बार यह जानना मुश्किल होता है कि असली समस्या कहाँ है, असफल कौन हो रहा है, लोग या सिस्टम। फ्रेंचाइजी से पहले जब मेरे डैडी ने मुझे बी बनने के बारे में सिखाना शुरू किया तब सिर्फ एक ही तरह का बिजनेस होता था। यह बड़ा बिजनेस था, एक बड़ा कॉरपोरेशन जिसका आमतौर पर शहर पर आधिपत्य होता था। हवाई के हमारे कस्बे का यह कॉरपोरेशन शुगर प्लांटेशन था जो व्यवहारिक कंपनी रूप से हर चीज को नियंत्रण करता था, जिसमें अन्य बड़ी कंपनियां शामिल थी। हमारे यहां बड़ी कंपनियां थी और कुछ एस टाइप के बिजनेस भी थे जिनके बीच में ज्यादा कुछ नहीं था। अमीर डैडी और जैसे लोगों के लिए उन बड़ी शुगर कंपनियों के शीर्ष स्तर पर पहुंचना असंभव था। अल्पसंख्यक लोग यानी जापान, चीन और हवाई के नागरिक खेतों में तो काम करते थे परंतु उन्हें कभी बोर्ड रूम में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसलिए अमीर डैडी ने जो कुछ भी सीखा अपने प्रयोगों और गलतियों से सीखा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा तो हमने फ्रेंचाइजी नाम की एक नई चीज के बारे में सुना। उस समय तक हमारे छोटे कस्बे में एक भी फ्रेंचाइजी नहीं आया था। हमने मैकडॉनल्ड्स या केटुंकी फ्राइड चिकन या टैको बेल के बारे में नहीं सुना था। जब मैं अमीर डैडी से शिक्षा ले रहा था तो फ्रेंचाइजी हमारे शब्दावली का हिस्सा नहीं था। हमने उनके बारे में यह अफवाहें सुनी थी कि वह गैर कानूनी धोखाधड़ी के कारोबार और खतरनाक काम थे। जाहिर है अमीर डैडी ने इन अफवाहों को हकीकत मालूम करने का फैसला किया। वे फ्रेंचाइजों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हवाई जहाज से कैलिफोर्निया गए। उनका निष्कर्ष यह था कि अफवाहें निराधार थी। जब वे लौटे तो उन्होंने इतना ही कहा, फ्रेंचाइजी भविष्य की लहर है। यही नहीं, उन्होंने 2 फ्रेंचाइजियों को अधिकार भी खरीद लिए। जब फ्रेंचाइजी के विचार ने जोर पकड़ा तो उनकी दौलत आसमान छूने लगी। वे अब दूसरे लोगों को अपने फ्रेंचाइजी के अधिकार बेचने लगे ताकि उन्हें भी अपना बिजनेस बनाने का मौका मिल सके। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनसे किसी फ्रेंचाइजी के अधिकार खरीद सकता हूं तो उन्होंने इतना ही कहा, नहीं, तुम यह सीखने की राह पर बहुत दूर तक पहुंच चुके हो कि अपना खुद का बिजनेस सिस्टम कैसे बनाया जाता है, इसलिए अब बीच में मत रुको। फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का सिस्टम बनाना नहीं चाहते या वे उसे बनाने का तरीका नहीं जानते। इसके अलावा तुम्हारे पास मुझसे फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए $2.5 लाख नहीं है। आज मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग
या पिज्जा हट के बिना किसी शहर की कल्पना करना मुश्किल है, परंतु एक समय था और वह समय बहुत पहले नहीं था जब उनका अस्तित्व ही नहीं था, और मेरी उम्र इतनी है कि मुझे वे दिन याद है। बी बनना कैसे सीखें? मैंने अमी डैडी का शिष्य बनकर बी बनना सीखा। उनका पुत्र और मैं दोनों ही ई थे जो बी बनना सीख रहे थे, और यही वह तरीका है जिससे बहुत से लोग सीखते हैं। इस नौकरी करते समय प्रशिक्षण हासिल करना नहीं किया है। अधिकांश परमादर्शता एस क्वाड्रेंट में होते हैं। दुनिया ऐसे एस लोगों से भरी पड़ी है जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बी या आई कैसे बना जा सकता है। मेरे अमीर डैडी परमादर्शता नहीं बल्कि मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे जो बेहतरीन नसीहतें दी थी उनमें से एक यह थी, जो सलाह ली उसके बारे में सावधान रहे। हालांकि तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, परंतु हमेशा इस बारे में जागरूक रहना कि सलाह किस क्वाड्रेंट से आ रही है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिस्टमों के बारे में सिखाने के साथ ही यह भी सिखाया कि लोगों का मैनेजर बनने के बजाय उनका लीडर कैसे बना जाता है। मैनेजर अक्सर अपने अधीनस्थों से अपने ही हीन करवाते हैं, जबकि लीडर्स को उन लोगों को दिशा देनी होती है जो प्राय उनसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस सिस्टम शुरू करने के लिए मूलभूत जानकारी चाहिए और आप इस विषय पर कोई उत्कृष्ट पुस्तक पढ़ना चाहें, तो माइकल गंबर की गड़बड़ पढ़कर देखें। जो लोग अपना खुद का सिस्टम बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तक अनमोल है। सिस्टमों के बारे में सीखने का पारंपरिक तरीका यह है कि किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में MBA की डिग्री लेकर किसी कंपनी में तेजी से तरक्की देने वाली कोई नौकरी खोज लें। MBA की डिग्री महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आप अकाउंटिंग की मूलभूत बातें सीखते हैं, और यह भी कि किस तरह आर्थिक आंकड़े बिजनेस के सिस्टमों से संबंधित होते हैं। बहरहाल आपको आपके पास MBA की डिग्री है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन सभी सिस्टमों को चलाने में निपुण हो चुके हैं जिनसे मिलकर संपूर्ण बिजनेस सिस्टम बनता है। बड़ी कंपनी में आवश्यक सभी सिस्टमों और बिजनेस के सभी पहलुओं के बारे में सीखने के लिए आपको वहां 10 से 15 साल तक बिताना पड़ेंगे। इसके बाद आपको वह बड़ी कंपनियां छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी होगी। किसी सफल बड़े कॉरपोरेशन में नौकरी करना वैसा ही है जैसे मार्गदर्शक आपको तनख्वाह दे रहे हैं। मार्गदर्शक और वर्षों में अनुभव के बाद भी पहले तरीके में बहुत मेहनत लगती है। अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत से प्रयोगों और गलतियों की जरूरत होती है। इसमें शुरुआती कानूनी खर्चों और कागजी कार्यवाही की भी जरूरत होती है, और यह सब उसी समय होता है जब आप अपने लोगों को विकसित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा, फ्रेंचाइजी। सिस्टम के बारे में सीखना का एक और तरीका फ्रेंचाइजी खरीदना है। जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो आप एक आजमाया हुआ और सफल संचालन तंत्र खरीदते हैं। ऐसे बहुत से उत्कृष्ट फ्रेंचाइजी हैं। अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करने के बजाय फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदकर आप सिर्फ अपने लोगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बी बनना सीखते समय बना बनाया सफल सिस्टम खरीदने से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता दूर हो जाती है। ज्यादातर बैंक छोटे शुरुआती बिजनेस के लिए लोन नहीं देते, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए लोन दे देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक सिस्टम के महत्व को पहचानते हैं, और यह भी कि एक अच्छे सिस्टम के साथ शुरुआत करने में जोखिम कम होता है। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदें तो एक बात के बारे में हमेशा सावधान रहें, मेहरबानी करके एस ना बने जो अपना खुद का काम करना चाहता है। अगर आप फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदते हैं तो ई बने, बस वही करें और वैसा ही करें जो आपसे करने के लिए कहा जाए। कोई और चीज इतनी दुखद नहीं है
जितना कि फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच में अदालती युद्ध। ये युद्ध आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग सिस्टम खरीदते हैं वे उस काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं, वे इस काम को उस तरीके से नहीं करना चाहते जिस तरह सिस्टम बनाने वाला व्यक्ति चाहता है। अगर आप अपने खुद के तरीके से काम करना चाहते हैं तो ऐसा आप तभी करें जब आप में सिस्टम और लोगों दोनों का ज्ञान हो। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने एक मशहूर और महंगा आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदा था, परंतु इसके बावजूद वे असफल हो गए। हालांकि सिस्टम बहुत अच्छा था, परंतु इसके बावजूद बिजनेस चौपट हो गया। मेरे विचार से वह फ्रेंचाइजी इसलिए असफल हुआ क्योंकि वे और उनके पार्टनर ई या एस क्वाड्रेंट के थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि स्थिति बिगड़ने पर क्या करना है। उन्होंने मार्क कंपनी यानी फ्रेंचाइजर से भी मार्गदर्शन नहीं मांगा। अंत में पार्टनर आपस में झगड़ने लगे और बिजनेस चौपट हो गया। वे भूल गए कि सच्चा भी बिजनेस सिर्फ सिस्टम से ही नहीं चलता, वे उस सिस्टम को चलाने वाले अच्छे लोगों पर भी निर्भर होता है। बैंक बिना सिस्टम वाले लोगों को लोन नहीं देते। अगर बैंक बिना सिस्टम वाले छोटे बिजनेस के लिए लोन नहीं देते तो आप क्या दें? लगभग हर दिन लोग मेरे पास बिजनेस योजनाएं लेकर आते हैं। उन्हें यह आशा होती है कि मैं उनके विचार या योजना में अपने धन का निवेश करूंगा। ज्यादातर बार मैं एक प्रमुख कारण से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता हूं। पैसा चाहने वाले लोग प्रोडक्ट और सिस्टम में फर्क नहीं जानते। मेरे कुछ दोस्त जो एक ब्रांड में गायक हैं मुझसे कहते हैं मैं एक नई संगीत सीडी बनाने में धन का निवेश करूं। अन्य कई लोग हैं जो मेरी मदद से दुनिया को बदलने वाली कोई जैसे रक्त संचरण तंत्र जो बाकी सभी सिस्टमों से बीमारी फैला देता है। यही वजह है कि आजमाया हुआ और सफल बिजनेस सिस्टम बनाना आसान नहीं है। जिन सिस्टमों के बारे में आप भूल जाते हैं या जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं उनकी वजह से आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं और आपको नुकसान होता है। इसलिए मैं ई या एस की योजना में बहुत कम निवेश करता हूं। जिसके पास कोई नया प्रोडक्ट या विचार होता है व्यवसायिक निवेशकों की प्रवृत्ति आजमाए हुए सिस्टम में निवेश करने की होती है जहां लोग उन सिस्टमों को चलाना जानते हों। अगर बैंक सिर्फ आजमाए हुए और सच्चे बिजनेस सिस्टमों पर ही कर्ज देता है और उसे चलाने वाले व्यक्ति को देखता है तो आपको भी यही करना चाहिए, बशर्ते आप स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हो। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। कानूनी तंत्र ने फ्रेंचाइजी की तरह ही शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग की गैर कानूनी घोषित करने की योजना की थी। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करने में सफलता पाई है, या तो इसे बहुत बुरी तरह सीमित कर दिया है। किसी भी तरह के नए सिस्टम या विचार को अक्सर इस दौर से गुजरना ही पड़ता है जिसे अजीब और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले तो मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, परंतु वर्षों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने इस प्रकार के बी बिजनेस में अपने कई मित्रों को सफल होते देखा तो मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। जब मैंने अपने पूर्वाग्रह छोड़ दिए और नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च की तो मैंने पाया कि बहुत से लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहे थे। जब मैं इन लोगों से मिला तो मैंने देखा कि उनके बिजनेस को दूसरे लोगों के जीवन और वित्तीय भविष्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। मैं सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के महत्व को समझ गया और उसके प्रति प्रशंसा के भाव से भर गया। बहुत कम प्रवेश शुल्क लगभग $200 के करीब देकर लोग एक बने बनाए सिस्टम को खरीदकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं और तत्काल अपना बिजनेस बनाना शुरू कर सकते हैं।
कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उनके संगठन पूरी तरह स्वचालित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कागजी लिखापढ़ी, ऑर्डर के प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटिंग और फ्लॉप सिरदर्द की लगभग पूरी तरह संभाल लेते हैं। इस ऑटोमेटेड बिजनेस अवसर के माध्यम से नए डिस्ट्रीब्यूटर अपने सारे प्रयास अपने बिजनेस को बनाने पर केंद्रित कर सकते हैं। उन्हें छोटे बिजनेस के सामान्य शुरुआती सिरदर्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मेरे एक पुराने मित्र ने रियल एस्टेट में $1 अरब से अधिक धन कमाया था। 1989 में यह नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और उसने इसमें अपना बिजनेस बनाना शुरू करा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए उसे इतनी मेहनत करके देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि निश्चित रूप से उसे पैसों की जरूरत तो नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसने यह कहा, मैं CPA बनने के लिए कॉलेज गया था और मेरे पास फाइनेंस में MBA की डिग्री हुई है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना अमीर कैसे बना, तो मैं उन्हें अपने लाखों डॉलर के रियल एस्टेट सौदों के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मैं उन्हें लाखों डॉलर के उन निष्क्रिय आमदनी के बारे में बताता हूँ जो मुझे रियल एस्टेट से हर साल होती है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ पीछे हट जाते हैं या छिटक जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, मैं जिस तरह के लाखों डॉलर के रियल एस्टेट निवेश करता हूँ, वे लोग उस तरह के निवेश नहीं कर सकते। शैक्षणिक पृष्ठभूमि ना होने के अलावा उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पूंजी भी नहीं होती है। इसलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए एक ऐसे तरीके की शुरुआत की जिससे वे भविष्य में निष्क्रिय आमदनी के उसी स्तर को हासिल कर सकें जो मैंने रियल एस्टेट से हासिल किया था। 6 साल तक कॉलेज जाए बगैर और रियल एस्टेट में 12 वर्ष तक निवेश किए बगैर मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को निष्क्रिय आमदनी कमाने का अवसर देता है। जो व्यावसायिक निवेशक बनना सीखते हैं, समय सहारा देते हैं, इसीलिए मैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का सुझाव देता हूं। भले ही उनके पास कम पैसा हो, परंतु इसके बावजूद वे 5 साल तक इसमें मेहनत करके पर्याप्त से अधिक निष्क्रिय आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस विकसित करने के बाद उनके पास सीखने के लिए खाली समय होता है और मेरे साथ बड़े सौदों में निवेश करने के लिए पूंजी भी होती है। मेरे मित्र ने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। इसके बाद वह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसने उन लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया जो भविष्य में उसके साथ निवेश करना चाहते थे। वह अब अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफल हो रहा है और निवेश के बिजनेस में भी, उसने मुझे बताया। मैंने शुरुआत में ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं निवेश के लिए धन जुटाने में लोगों की मदद करना चाहता था, और अब इसका परिणाम यह हो रहा है कि मैं एक बिल्कुल नए बिजनेस के माध्यम से अमीर बन रहा हूं। महीने में 2 शनिवारों की वह अपनी कक्षा आयोजित करता है। पहली मीटिंग में वह लोगों को बिजनेस सिस्टमों और लोगों के बारे में सिखाता है, यानी यह कि सफल भी कैसे बना जाए। महीने की 2री मीटिंग में वह उन्हें वित्तीय साक्षरता और वित्तीय बुद्धि के बारे में सिखाता है। वह उन्हें के रूप में कोई आमदनी नहीं होती है। मैंने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और उनकी भुगतान की योजनाओं पर रिसर्च की है। अपनी रिसर्च के दौरान मैं कई कंपनियों में शामिल भी हुआ हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे और मैं आज भी ग्राहक के रूप में उनका प्रयोग करता हूं। बहरहाल मैं जब आपको एक अच्छी कंपनी खोजने की सलाह देता हूं जो आपके क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से तक ले जाने में मदद करे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंपनी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है। ऐसी बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो सिर्फ इस बात में रुचि रखती हैं कि आप अपने दोस्तों को उनका सिस्टम बेच दें, और ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी मूलभूत रुचि आपको शिक्षित करने
और सफल बनाने में होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की रिसर्च में मैंने यह पाया है कि आप उनके कार्यक्रमों से दो महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जो सफल भी बनने के लिए अनिवार्य हैं। पहली, सफल बनने के लिए आपको रिजेक्शन के डर से मुक्ति पाना सीखना होगा। आपको इस बारे में चिंता करना छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो खुद को सिर्फ इसलिए रोके रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे कोई अलग काम करेंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। मैं इस स्थिति की अच्छी तरह समझ रखता हूं क्योंकि मैं भी कभी इसी रास्ते पर चल चुका हूं। मैं एक छोटे कस्बे से आया हूं जहां हर आदमी जानता था कि दूसरा आदमी क्या कर रहा था। अगर किसी को आपका कोई काम पसंद नहीं आता था तो पूरा कस्बा उसके बारे में जान जाता था और आपके काम को अपनी चिंता बना लेता था। मैंने खुद से जो वाक्य बार बार कहा है वह सबसे अच्छे वाक्यों में से एक है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जेरोक्स कॉरपोरेशन में सेल्स का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका कारण यह नहीं था कि वे फोटोकॉपियर्स को पसंद करते थे, बल्कि यह था वे चाहते थे कि मैं अपने संकोच और रिजेक्शन के डर से मुक्ति पा जाऊं। दूसरा, लोगों का नेतृत्व करना सीखना। अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज होती है। मैं बिजनेस के जितने भी सफल लोगों से मिला हूं वे स्वाभाविक लीडर्स थे। लोगों के साथ मिलकर काम करने और उन्हें प्रेरित करने की योग्यता अनमोल है। यह एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। जैसा मैंने पहले कहा था, बाएं क्वाड्रेंट से दाएं क्वाड्रेंट में पहुंचने का संबंध इस बात से उतना नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप क्या करना चाहते हैं। रिजेक्शन का सामना करना सीखें। यह सीखें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। उससे प्रभावित नहीं होना है। इसके अलावा लोगों का नेतृत्व करना सीखना है। अगर आप यह सीख लेंगे तो आपको दौलत निश्चित रूप से मिलेगी। यही वजह है कि मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अनुशंसा करता हूं जो पहले तो आपके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हो, बजाय इसके कि वह आपको सेल्समैन बनाने में ज्यादा रुचि ले। मैं आपको इस तरह की कंपनी से जुड़ने की सलाह देना चाहूंगा। पहली, जो आजमाए हुए संगठन हो, जिनका सफल रिकॉर्ड हो और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और भुगतान योजना बरसों से सफल हो। दूसरी, जिनके पास ऐसा बिजनेस अवसर हो जिसमें आप सफल हो सकते हो, जिसमें आप विश्वास कर सकते हो और जिसे आप दूसरों को विश्वास पूर्वक बता सकते हो, जिनके निरंतर चलने वाले दीर्घकालीन शैक्षणिक कार्यक्रम हो, जो इंसान के रूप में आपका विकास करें। आत्मविश्वास क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से का आत्म अत्यावश्यक गुण है। चौथी, जिनका सशक्त मार्गदर्शक कार्यक्रम हो। आप लीडर से सीखना चाहते हैं, परमादर्शताओं से नहीं। जो लोग पहले से ही क्वाड्रेंट में दाएं हिस्से में लीडर्स के प्रयासों से आमदनी होती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी अब भी यह है कि आप में और आपके संगठन में यह दीर्घकालीन प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि आपको उस तरह के बिजनेस लीडर में विकसित होना है जिस तरह के लीडर्स आप बनना चाहते हैं। सिस्टम स्वतंत्रता का सेतु है। बेघर बनना एक ऐसा अनुभव नहीं है जिसे मैं दोहराना चाहूंगा। बहरहाल, किम और मेरे लिए यह अनुभव अनमोल था। आज हमारे पास जो है उसमें हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं मिलती। सुरक्षा यह जानने और इस विश्वास से मिलती है कि हम दोबारा बना सकते हैं। उस मुश्किल समय के बाद हमने एक रियल स्टेट कंपनी, एक ऑयल कंपनी, एक माइनिंग कंपनी और दो शिक्षण कंपनियां बनाई। इस मायने में सफल सिस्टम बनाना सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए लाभदायक रही। बहरहाल, मैं इस प्रक्रिया से गुजरने की सलाह किसी को नहीं देना चाहूंगा जब तक कि वे सचमुच इससे ना गुजरना चाहें।
कुछ साल पहले तक बी क्वाड्रेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों के सफल होने की संभावना थी जो बहादुर या अमीर हों। किम और मैं निश्चित रूप से बहादुर रहे होंगे, क्योंकि यह तो तय है कि हम अमीर नहीं थे। अधिकांश लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा जोखिम है। उनके लिए नौकरी में सुरक्षित बने रहना ज्यादा स्मार्ट तरीका है। आज मूलतः प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों के कारण सफल बिजनेस मालिक बनने में जोखिम बहुत कम हो गया है और अपने खुद के बिजनेस सिस्टम का स्वामी होने का अवसर लगभग हर एक के उपलब्ध है। फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग ने अपना सिस्टम बनाने की मुश्किल को अक्सर आसान कर दिया है। आप एक आजमाए हुए सिस्टम के अधिकार हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है, लोगों को विकसित करना। इन बिजनेस सिस्टमों का उस सेतु के रूप में देखें जिससे आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में दाएं हिस्से तक पहुंचकर सुरक्षित तरीके से पहुंच सकते हैं। यह वित्तीय स्वतंत्रता को आपका सेतु होगा। अगले अध्याय में मैं क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के दूसरे भाग यानी आई निवेशक के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Krishna, Krishna, Krishna.